कह सकते हो रैकेट वॉच तो है ये, बट वो उतना वेट मेरे को फील नहीं हो रहा जो मतलब सहले वॉच ये, ठीक है। आई डोंट नो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा हम ड्रॉप टेस्ट भी कर ही रहे हैं हम यहाँ पे, बट अगेन गाइस वो वेट मेरे को फील नहीं हो रहा इसमें जो होना चाहिए, जिसकी मार्शल या ग्रेनेड में थोड़ी सी हैवी लगती है, तो उतनी ज़्यादा हैवी है नहीं। हे गाइस, हमारे पास आ चुकी है बोल्ट की स्टीलिंग प्रो। यस गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया मैं डेफिनेटली यहाँ पे, आई नो यहाँ पे थोड़ा सा सुबह ही कर देनी चाहिए थी अनबॉक्सिंग, बट मेरे पास लेट पहुँची है और फाइनली आ चुकी है यहाँ पे बोल्ट की स्टीलिंग प्रो। ठीक है, तो बात करते हैं इसी वॉच के बारे में, अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे डीप डाउन। और चैनल पे अगर आप आई गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको एक आपको पॉलीरैप मिल जाता है, दैट्स इट। उसके बाद आपको मेन वॉच मिलती है, वॉच काफ़ी हैवी लग रही है। मैंने ये आपको सिल्वर शेड में मंगाया था, एक ब्लैक टाइप की थी चेन और एक सिल्वर वाली, तो ब्लैक तो नॉर्मली सेम रहती है हर एक उसमें, तो यहाँ पे मैंने सोचा सिल्वर वाली मंगा लेते हैं। तो इस तरीके से मिलता है आपको, और ये रही वॉच इटसेल्फ। गाइस, वॉच की क्वालिटी तो डेफिनेटली अच्छी लग रही है, रगेड वॉच है। और इसमें चेक लेते हैं एक्सेसरीज क्या मिलती है आपको, क्या वायरलेस चार्जर है या नॉर्मल चार्जर है। तो गाइस नॉर्मल चार्जर है, और साथ में यहाँ पे वो स्ट्रैप छोटे करने का बड़ा करने का वो मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ओके, इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, इससे आप जो चेन को शॉर्ट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे इसको रखते हैं साइड में, और ये गाइज वॉच इटसेल्फ है। तो वॉच तो पॉलीकार्बोनेट जैसी लग रही है, आई डोंट नो यहाँ पे उतना ज़्यादा रगेड फील नहीं आ रहा जितना फायरबोल्ट की वॉच में आता था। यहाँ पे चेक करते हैं फिलहाल, यहाँ पे इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं। एक प्री अप्लाइड आपको स्क्रीन गार्ड भी मिलता है इस पर, यहाँ पे स्क्रीन गार्ड क्या मतलब, यहाँ पे ऐसा लग रहा है इसको निकाल के पैक किया गया, रीपैक किया गया, आई डोंट नो यहाँ पे। तो वैसे तो ठीक ही है, ब्रांड न्यू ही वॉच मिली है, यहाँ पे इसको आप निकाल सकते हो, तो निकाल ही लेते हैं इसको। ठीक है, अब गैस यहाँ पे आपको 1.43 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जैसे कि ये रोटेटेबल क्राउन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, सेकेंडरी बटन भी मिल जाती है, ये आपका जो है ना ये भी पॉलीकार्बोनेट ही लग रहा है मेरे को, वैसे एल्युमिनियम है वैसे ऊपर का, ये हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, नीचे की साइड आपको पॉलीकार्बोनेट है। चेन आपकी स्ट्रैप चेन की क्वालिटी ठीक है, बट नॉट द बेस्ट वन, जो मतलब आपको फायरबोल्ट की ग्रेनेड में या मैं कहूँ यहाँ पे फायरबोल्ट की मार्शल में मिलता है ना जो स्ट्रैप की क्वालिटी, वो इसमें नहीं है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है, फायरबोल्ट की मार्शल के जैसा ही लुक मिलता है आपको, या आप कह सकते हो फायरबोल्ट की जो ग्रेनेड है उस तरीके से लुक मिलता है। यहाँ पे स्पीकर का बेंड है, तो चलिए इसको हम ऑन करते हैं, होपफुली इसके अंदर बैटरी हो। तो यस गाइस, यहाँ पे बोल्ट आ चुका है और ऑन हो चुकी है, एज टू एज डिस्प्ले मिलती है, और फायर बोल्ट की ही जो डैगर वॉच है उसी की कॉपी लग रही है, पूरी की पूरी है, यूआई पूरा का पूरा कॉपीड है उसका, डैगर का। मैं एक कंपैरिजन ज़रूर लेके आऊँगा, बट ये अच्छी बात है कि एकदम एज टू एज डिस्प्ले दी गई यहाँ पे, कोई भी बिल्कुल भी यहाँ पे मार्जिन नहीं है, एकदम एज टू एज डिस्प्ले, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। इस तरीके से वॉच फेस आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मिल जाते हैं 4-5, ठीक है, और काफ़ी अच्छे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स आप बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस लेवल्स भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं यहाँ पे, डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, चलिए अच्छी बात है, हैवी नहीं है, तो यहाँ पे ये लाइट वेट है, तो उसको पहन के सो भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे सेकेंडरी बटन से आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो इसको, और यहाँ पे पुश बटन की तरह इससे मेन्यू पे जा सकते हो डायरेक्टली। ऊपर की साइड से टॉगल मेन्यू मिल जाता है, टॉगल मेन्यू में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको पता ही है, सेम आपको फैमिलियर हो इस सारी चीज़ों से, यहाँ पे रेस्ट वेक यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, मेन्यू स्टाइल यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, 3x मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं, नहीं 4x मिल जाते हैं बेसिकली। और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, डिस्प्ले में वॉच फेस आप चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस लेवल्स आप बड़ा घटा सकते हो, उसके बाद स्क्रीन टाइम यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, 30 सेकंड का मैक्सिमम मिलता है आपको। और उसके बाद AOD क्लॉक का ऑप्शन देखने मिल जाता है, AOD डिजिटल एनालॉग आप चूज कर सकते हो। अब चेक करते हैं यहाँ पे डिजिटल या एनालॉग कैसी है, यहाँ पे ये डिजिटल, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस्ट वेक भी काम कर रहा है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा हम आगे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन इंटेंसिटी का ऑप्शन मिल जाता है, बैटरी यहाँ पे शो करता है 90%, जैसे कि यहाँ पे बोल्ट ऐप डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, और डाउन की को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद टाइम सेट कर सकते हो, सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ पे कहीं भी एज सच यहाँ पे आपको मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, रिंग वाइब्रेशन म्यूट जैसा आपको करना है वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तो ये एक फ्लॉ है डेफिनेटली यहाँ पे। और बाय डिफॉल्ट आपका रिंग प्लस वाइब्रेट करेगी ये वॉच, ठीक है।
और उसी के साथ साथ यहाँ पे पावर सेवर है, D&D मोड में जाता है, यहाँ पे सिंगल चिप कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे वॉच में सॉन्ग सुन पाओगे, एज अ शटर स्पीकर आप यूज़ कर सकते हो इस वॉच को इटसेल्फ, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट्स में जाते हैं इस तरीके से आपको, ठीक है, आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आपका पूरा का पूरा मेन्यू ओपन होता है, नीचे की साइड आपका यहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशन शो करता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ए टू जेड सारी की सारी चीज़ों को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी डाटा जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म किया वो शो करता है, उसके बाद स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो वॉकिंग एक बार चेक कर लेते हैं करके यहाँ पे 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी कैसी क्या मिलती है इस वॉच की फिलहाल। और ये थोड़ा सा मेरे को उसको टाइट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे इस तरीके से लास्ट टू मीडियम इसके लिए काफ़ी अच्छी वॉच बन जाती है। सो मैंने 50 स्टेप चल ली यहाँ पे, 52 दिखा रहा है, तो गाइस एक्यूरेसी तो ठीक मिलती है यहाँ पे, अच्छा परफॉर्म कर रही है वैसे ही वॉच। आगे बात करें यहाँ पे फोन का ऑप्शन मिलता है, अभी हम चेक करेंगे। उसके बाद मैसेज नोटिफिकेशन तो मिल ही जाता है आपको, और उसके बाद आपको म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पे आपको बोल्ट हेल्थ का ऑप्शन देखने को मिलता है। बोल्ट हेल्थ में आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है सबसे पहले तो, और हार्ट रेट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दो लाइट जल रही हैं जो कि आपको सिंगल सेंसर की पहचान है, और सेकेंडरी आपका यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रेड एक्शन का सेंसर है, तो यहाँ पे सिंगल सेंसर इसमें है, तो मतलब डबल सेंसर मिल जाता है, हार्ट रेट के लिए अलग, SpO2 के लिए अलग। ब्लड प्रेशर को ये सब चीज़ों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे कि आप चेक करें वॉच से, और कोई भी कंपनी क्लेम भी नहीं करती कि हमारी ये जो वॉच है ये मेडिकल डिवाइस है, ठीक है। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपको ऑक्सीमीटर से ही चेक करना चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट से ही चेक करना चाहिए। स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, स्लीप ट्रैकिंग यहाँ पे प्रॉपरली आप कर सकते हो, बट ये आपको मिनिमम 6 घंटे 7 घंटे सोना पड़ेगा, नैप्स को रिकॉर्ड नहीं करती, आधे घंटे 1 घंटे सो लो तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रीथ ट्रेनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पे आपको स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है, क्लॉक में आपको यहाँ पे अलार्म लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, थ्रू द एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। स्टॉप वॉच मिल जाता है, टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है, टाइम भी सेट कर सकते हो वॉच में इटसेल्फ, तो ये काफ़ी अच्छा है, मैनुअली टाइम को सेट कर सकते हो। और वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन तो है ही है, वेदर अपडेट मिल जाता है, फाइन फोन का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे गेम्स प्लस कैलकुलेटर ऑप्शन ही नहीं दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और दैट्स इट, गेम्स कैलकुलेटर का या कैलेंडर का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है सच, ठीक है, तो इस तरीके से मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसको एप्लीकेशन से पेयर करते हैं और आगे के इसके फीचर्स और फंक्शंस को चेक करते हैं। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। इसको शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कहाँ की साइड से आपको इसमें जो है हुक्स मिलते हैं, बेसिकली उसको आपको इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। और आई थिंक इसमें हुक्स ही नहीं है, हैरानी वाली बात है, ये टूल किस लिए दिया गया है जब इसमें वो ही नहीं दे रखा है। सो गाइस एक चीज़ होती है, देखो ये जो होते हैं ना, ये जो आपके ये होते हैं टाइप के छोटे छोटे जो, वो कहीं भी नहीं दे रखे हैं एक्चुअली, ये बाय फिक्स्ड है गाइस, ये वॉच वाली शॉप से होगा, ये बोल्ट ने किया क्या है समझ नहीं आ रहा मेरे को, हैरानी वाली बात है, ये कैसे होगा, इससे तो होगा ही नहीं, ये तो फंसाने वाला है, और इसमें कहीं भी वो हुक्स ही नहीं है फंसाने के लिए, फालतू का मतलब दे दिया बोल्ट ने, ये किसी काम का नहीं है, पता नहीं क्या कर रही है कंपनी, आई डोंट नो। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन से पेयर करते हैं, और कौन सी एप्लीकेशन है देख लेते हैं यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, बोल्ट फिट करके, बोल्ट फिट ट्रैक करके इसको ओपन कर लेना है, और ये दाफिट की ही तरह ही एप्लीकेशन है आई थिंक, और यहाँ पे नो अकाउंट टू क्रिएट अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, विदाउट अकाउंट भी हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये डाल देनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये सब भर देना है आपको, ठीक है, और साथ में यहाँ पे ये सब भी भर देना है, मैं यहाँ पे भी ऐसे ही भर रहा हूँ आप सभी को दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ओके कर देना है, और यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज आपको ऑन रखनी है, लोकेशन सर्विस और ब्लूटूथ आपको ऑन कर देना है, ठीक है, दो चीज़ आपको ऑन करनी है, देन ओनली ये कनेक्ट हो पाएगी, ठीक है, नहीं तो कनेक्ट नहीं होगी। अभी सर्च करेगा और यहाँ पे आ चुकी है, कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आएगा, यस कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद ये वॉच पेयर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे सेट करते हैं, और ये कॉलिंग वाला भी कनेक्ट हो चुका है, तो बहुत ही आसान है कॉलिंग वाला भी पेयर करना आसानी से। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कॉलिंग वाला, और यहाँ पे लाउडनेस चेक कर लेते हैं किस तरीके से कैसे क्या मिलती है। यहाँ पे देखो कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन भी है, और लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे आपको, ठीक है, और यहाँ पे माइक ऑन ऑफ भी कर सकते हो इधर से, ठीक है, और साथ में यहाँ पे कॉल ट्रांसफर कर सकते हो फोन पे, फोन से वापस वॉच में ले सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। लाउडनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है, डेफिनेटली यहाँ पे लाउडनेस अच्छी है, ठीक है, और इस तरीके से कट कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, वॉइस असिस्टेंट प्रॉपर्ली काम करता है यहाँ पे। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, वॉच में नहीं बता रहा है, फोन में बता रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और ये मीडिया ऑडियो ऑन कर देना है, अब वॉच में आएगा, ठीक है। अब अगर मैं वेदर पूछता हूँ इससे तो ये वॉच में ही बताएगी, व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, बढ़ाना है आवाज तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बढ़ जाती है।
तो ये काफ़ी अच्छा है। और चलिए अपनी एप्लीकेशन पे चलते हैं, यहाँ पे बैक करके ये रही एप्लीकेशन। डिवाइस पे जाते हो तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सारी की सारी। और यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन आपको ऑन कर देना, तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो, यहाँ पे आप रिमाइंडर ऑल कर सकते हो, और साथ ही में यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। और गाइस एक मेन जो यहाँ पे सेटिंग है वो आपको कर लेनी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बोल्ट फिट जो है, बोल्ट ट्रैक करके एप्लीकेशन, इसको आपको नोटिफिकेशन अलाउ कर देना सारे के सारे। देन ओनली आपके वॉच में सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके आएंगे, ठीक है। डायल लाइब्रेरी यहाँ पे वॉच फेस मिल जाते हैं, टन्स ऑफ वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पे चूज़ ऑन कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। और गैस बहुत ज़्यादा हैं ये, कम से कम 100 से ऊपर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे नहीं कि मतलब कार्टून टाइप के हैं, काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप इस तरीके से अपने पे कोई भी वॉच फेस आप लगा सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड आपको चूज़ करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। वो मतलब टाइम यहाँ पे शो कर रहा है फेस पे एक्चुअली, तो इसको कोई भी कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन नहीं है। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं, डाउनलोड हो रहा है। 1 MB का वॉच फेस है बेसिकली, देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। कहाँ पे डाउनलोडिंग आ रहा है। सो गाइस यहाँ पे लग चुकी है पिक और एकदम क्लियर आ रही है, देख सकते हो पिक्सल साइज काफ़ी अच्छा है, इसी वजह से काफ़ी क्लियर आ रही है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम और चेक कर लेते हैं चीज़ों को। यहाँ पे आप जाते हो तो स्पोर्ट्स पुश कर सकते हो, यहाँ पे वॉच मतलब स्पोर्ट्स मोड बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं इसमें आपको। उसी के साथ साथ यहाँ पे वेदर रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पे आप जो ऑन कर सकते हो लोकेशन सर्विसेज, उसके बाद वेदर इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। और साथ ही में यहाँ पे आपका अलाउ कर देना है आपको रेस टू वेक का ऑप्शन देखने मिल जाता है, मतलब रेस टू वेक के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम करता है। ऑटोमेटिक हाल्टेड मोटर ऑन ऑफ करना है और फाइंड वॉच का ऑप्शन देखने मिल जाता है। वॉच यहाँ पे ओनली वाइब्रेट कर रही है, रिंग नहीं कर रही है। रिस्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, रिस्ट आपको लेफ्ट पे या राइट पे पहनना है। और स्टाइल आप चूज़ कर सकते हो 12 आर या 24 आर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पे हो चुका है देखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको शेक फोटोग्राफ का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स कितने ऐड कर सकते हो चेक कर लेते हैं एक बार। सो गाइज अप टू 10 कॉन्टैक्ट को ही सेव कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो ये बाय डिफॉल्ट फिक्स है, 10 से ऊपर नहीं कर सकते। उसके बाद डिवाइस इन्फॉर्मेशन, डेट सेट, उसके बाद मी का ऑप्शन मिलता है। अभी काम करते हैं यहाँ पे सॉन्ग सुन के देखते हैं वॉच में हम सॉन्ग सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, ठीक है। तो यस गाइज यहाँ पे आप सॉन्ग सुन सकते हो, इवन आप कंट्रोल भी कर सकते हो म्यूजिक प्लेयर में जाके, ठीक है। वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हो, देख सकते हो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं दूसरे फ़ोन से कॉल मिला के देखते हैं, यहाँ पे रिंग करता है वाइब्रेट करता है, क्योंकि ऑप्शन तो अलग से कुछ यहाँ पे मिलता नहीं है आपको। यहाँ पे एक काम कर सकते हो वाइब्रेशन को आप ऑफ कर सकते हो, देखते हैं वाइब्रेशन ऑफ करके क्या रिंग सिर्फ होती है वॉच या नहीं होती है, या ओनली नोटिफिकेशन आता है वो चेक कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे ना ही रिंग कर रहा है ना ही वाइब्रेट कर रहा है, बस नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पे कट कर सकते हो, मतलब फ़ोन की रिंग को आप ऑफ कर सकते हो, ये ऑप्शन मिल जाता है, तो ये ठीक है यहाँ पे। और चलिए काम करते हैं हाथ पे पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं इस वॉच की। तो गाइस हमने वॉच को पहन लिया है और यहाँ पे हम चेक करते हैं हार्ट रेट सबसे पहले। 98 एसपी दिखा रहा है, 86 हमारा हार्ट रेट दिखा रहा है, ठीक है। 86, 87 हो चुका है, 88 और 88 पे रुक चुका है, और यहाँ पे 83 है। तो गाइस एक्यूरेसी इस तरीके से मिल जाती है आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 99 शो कर रहा है SpO2। गाइस देखो सिंपल सी बात है, इस वॉच के बारे में कुछ नेगेटिव भी है मेरे माइंड में, कुछ पॉजिटिव भी है। नेगेटिव को बात करने से पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी फेयर इनफ, बहुत अच्छी लगी मेरे को, और बिल्ड क्वालिटी ठीक है, नॉट द बेस्ट वन। थर्ड थिंग इसका रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन मिल जाता है, और फोर्थ थिंग प्रीमियम फील इसका डेफिनेटली है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें सिंगल चिप कनेक्टिविटी मिलती है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। UI भी मतलब ठीक है, पुरानी वॉच से कॉपी किया गया है फायरबोल्ट की। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप सभी से नेगेटिव पॉइंट की, तो भाई गाइस सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसकी जो चेन है वो चुभ रही है बेसिकली, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प इसके एजेस हैं। एक्चुअली मेरे हाथ में लग गई, मतलब जब मैं इसको निकाल रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब गड़ सकती है, इसको आप पहन के सो नहीं सकते। देखो ये आप निशान पड़ जाएगा इवन आपके, देखो बहुत ज़्यादा निशान पड़ जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा शार्प है इसके एजेस जो हैं। बट अगर आप फायरबोल्ट की वॉच में या पेबल की वॉच में देखोगे ना, तो ये स्मूथ रहता है। और गाइज ये टूल पता नहीं किस काम के लिए दिया गया है, ये वेस्ट ऑफ वो है, मतलब बेसिकली वेस्ट है ये टूल, किसी काम का नहीं है बेसिकली, तो ये देना नहीं चाहिए था इनको, पता नहीं क्यों दिया गया इन्होंने। और ये मेरे को फालतू का लगा कि यहाँ पे जब होल ही नहीं है तो आप क्यों दे रहे हो, आई डोंट नो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मतलब बस 2500 रुपये में आपको बहुत चेप दिए, दैट्स इट, ऐसा लग रहा है। तो गैस यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट है पूरा का पूरा, और ऊपर की साइड ये डायल बस मेटल का है, दैट्स इट। गैस जितनी प्रीमियम लगनी चाहिए थी उतनी प्रीमियम है नहीं। इसका जो प्राइस है 2000 रुपये फेयर इनफ था, 2500 रुपये बहुत ज़्यादा इसका प्राइस है। 2000 मिल जाती है डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कर सकते हैं, 2500 मेरे ख्याल से डेफिनेटली ज़्यादा है इसका। डिस्प्ले को छोड़ के रेस्ट तो यहाँ पे चीज़ें नॉर्मली मिलती हैं आपको, ठीक है। और गैस मैं कहूँगा यहाँ पे मार्शल के साथ मैं कंपेरिजन जरूर लेके आऊँगा इस वॉच का, और स्टिक रहेगा हमारे चैनल पर, ठीक है। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी।
अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय.